आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जिनकी आंखें तो होती हैं लेकिन दृष्टि नहीं होती, अर्थात आंखें होने के बावजूद भी वे कुछ भी देखने में असमर्थ होते हैं। आज विश्व दृष्टिबाधित दिवस है। इस अवसर पर हम बात करेंगे बालोद के एक दृष्टिबाधित शिक्षक। नेत्रहीनों के मसीहा लुई ब्रेल के प्रेरणा स्रोत बालोद जिले के गुरूर विकास खंड अंतर्गत ग्राम दर्रा स्कूल में पदस्थ शिक्षक तेजराम साहू जो दृष्टि बाधित हैं। इसके बावजूद भी तेजराम 16 सालों से बच्चों को ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ा रहे हैं और बच्चे भी उनके साथ कदम से कदम मिलाते हैं। बच्चे तेजराम को दृष्टि बाधित होने का जरा भी एहसास नहीं होने देते और उनसे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मोबाइल के माध्यम से पढ़ाते थे, अब स्कूल खुलते तो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, हिंदी और अंग्रेजी में अच्छे पढ़ाते हैं। मोबाइल के माध्यम से पहले पढ़ाते थे, अब स्कूल से पढ़ाते। मैं सितंबर 2010 से यहाँ पदस्थ थी और मुझे यहाँ पढ़ाने में हर स्तर से अच्छा लगता है। मुझे ऐसा आभास नहीं होता कि मैं एक दृष्टिबाधित व्यक्ति हूँ, क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य है एजुकेशन को प्राप्त करना, एजुकेशन देना, लोगों को हर स्तर से शिक्षित करना, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, और जो भी स्किल बच्चों के लिए या लोगों के लिए अवेलेबल हो उसको उस तक पहुँचाना मेरा मेन टारगेट है। और मैं इस डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय के साथ जी रहा हूँ। आज विश्व दृष्टि बाधित दिवस के अवसर पर दृष्टि बाधित शिक्षक तेजराम साहू की बात करें तो इनकी जिंदगी की कहानी सन 1809 में जन्मे लुई ब्रेल से मिलती जुलती है। लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। बता दें कि 4 साल की उम्र में तेजराम साहू अपनी दोनों आंख गंवा बैठे, फिर भी उन्होंने अपनी जिंदगी से हार नहीं मानी और आगे बढ़े और हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़ाई करने के बाद राजधानी रायपुर में डीएड की पढ़ाई की, फिर गायन तबला वादक में डिप्लोमा हासिल किया। शिक्षक तेजराम कठिन परिश्रम और संघर्ष भरे जीवन में पढ़ाई के साथ साथ आधुनिक तकनीकों को सीखकर अब उनका प्रयोग कर रहे हैं। शिक्षक तेजराम एक अच्छे शिक्षक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, तबला वादक, हारमोनियम सहित गायन जैसी कलाओं में भी रुचि रखते हैं। मैं गायन विषय में 6 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स पूरा कर चुका हूं और मैं तबला में लगभग 2 वर्ष का कोर्स मेरा पूरा कंप्लीट है। मैं गाने में ज़्यादातर भजन गाना पसंद करता हूं और तबला भी संगत कर लेता हूं लोगों के साथ में, मंडली में चलता हूं। मेरा एक मंडली है, रामायण मंडली, हरिओम मानस मंडली, जो इसी गांव से रिलेटेड है। ये मंडली चलती है, उसी मंडली में जाता हूँ और दूर दूर तक ये मंडली हमारी जाती है समय समय पर। जिस दिन हमारी छुट्टी होती है उसी दिन हम यहाँ से मंडली के साथ जाते हैं और प्रोग्राम देने में बहुत मज़ा आता है। हमारे परम आदरणीय श्री तेजराम साहू जी शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत अच्छे काम कर ही रहे हैं। ब्रेल लिपि के माध्यम से बच्चों को बहुत सुंदर अध्ययन अध्यापन से जुड़े हैं, नए टेक्नोलॉजी मोबाइल के माध्यम से अध्ययन कराते ही हैं। साथ ही उसकी सबसे बड़ी भूमिका मैं समझता हूँ समाज में दिव्यांगजनों के उद्धार के लिए कार्य करते हैं। वे एक दृष्टिबाधितार्थ प्रगति संघ चलाते हैं जिनकी मुख्य शाखा कानपुर से है। वे छत्तीसगढ़ शाखा के महासचिव है। वे अपने आसपास के बच्चों को खोज कर अपने घरों में ब्रेल लिपि की शिक्षा देते हैं। साथ ही दिव्यांग बच्चों को आसपास के विभिन्न दिव्यांग शालाओं में भर्ती कराने में विशेष योगदान प्रदान करते हैं। अधिकारियों से मिलकर उनकी समस्याओं को निपटाने का काम करते हैं, संपन्न करवाते हैं। साथ ही जितने भी दिव्यांगजन हैं जिनकी शादी विवाह नहीं हो पाए हैं उनके लिए भी एक दूसरे के लिए वर वधु खोजने का काम करते हैं और समाज के उन्नति में अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसे शिक्षक साथी के साथ हमें काम करने का बहुत ही अपने आप में गर्व महसूस होता है। हम सबको प्रेरित करते हैं। सलाहों में उनकी संगीत और तबला वादन हारमोनियम के माध्यम से बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं। ऐसे शिक्षक के साथ कार्य कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। पहले दृष्टि बाधित व्यक्ति किसी पर आश्रित होते थे या फिर भीख मांगकर अपना जीवन गुजारते थे, लेकिन आज के इस दौर में दृष्टिहीन लोग बहुत सामर्थ्य के साथ काम करते देखने को मिल जाते हैं।
इसका एक उदाहरण शिक्षक तेजराम साहू है, जो स्वयं दृष्टिहीन होने के बावजूद भी कई दृष्टिहीनों को पढ़ने लिखने के योग्य बना रहे हैं।